जी अस्सलाम वालेकुम। वो लम्हा आ गया जिसका क्रिकेट फैंस को इंतजार था। क्रिकेट बहाल हो रही है, मार्च से क्रिकेट रुकी हुई थी जो ग्लोबल पैंडेमिक है उसकी वजह से मार्च से क्रिकेट का सिलसिला रुका हुआ था, लेकिन अब ये सिलसिला बहाल होने को है, बहाल होने को है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज होगी और उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज होगी, इसके बीच में इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज भी होगी, उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है। वेस्ट इंडीज की सीरीज का शेड्यूल तो पहले ही अनाउंस हो गया था, पाकिस्तान की सीरीज का शेड्यूल आज अनाउंस हो गया है कि 3 T20 मैचेस और 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की टीम खेलेगी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर मजीद क्रिकेट होगी इंग्लैंड में, प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया से बातचीत चल रही है और उसका शेड्यूल भी जल्द अनाउंस हो जाएगा। ये सारा सूरत हाल इंग्लैंड क्रिकेट की वापसी हो रही है, वेस्ट इंडीज की सीरीज में क्या इंतजाम होंगे, पाकिस्तान की सीरीज कैसी होगी, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंग्लैंड से स्काई स्पोर्ट्स के असिस्टेंट प्रोड्यूसर और क्रिकेट पर बड़ी गहरी नजर होती है तंजिल ख्वाजा की। तंजिल वेलकम। पहले आप खुद कितने एक्साइटेड है टू सी के क्रिकेट अब वापस आ रही है कोई तकरीबन 5-6 महीने बाद? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई। देखिए, बात ये है कि हमारा ऑब्वियसली हमारा काम है क्रिकेट के साथ, तो ऑब्वियसली वे वेरी एक्साइटेड कि हम वापस सब हमारा फिर से शुरू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ भी क्रिकेट भी वापस आते हुए भी मज़ा आता है क्योंकि मैचेस बहुत अच्छे होने हैं। वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी टीम है, इंग्लैंड भी अच्छी फॉर्म में है, ऊपर ऊपर से पाकिस्तान जो आ रहा है उसकी तो फिर अलग एक्साइटमेंट होती है। तो वर्क के साथ साथ क्रिकेट को भी देखना भी वो बहुत एक्साइटिंग टाइम है अब। अच्छा, बड़ा बात हो रही है, बायो सिक्योर एनवायरनमेंट होगा, विदाउट क्राउड होंगे, थोड़ा प्रोटोकॉल्स आप बताएं ना ऑडियंस को, व्यूअर्स को, कि किस तरह का माहौल होगा जब क्रिकेट हो रही होगी इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज की सीरीज है फिर पाकिस्तान की सीरीज है, माहौल क्या होगा? जैसे आपको पता है कि क्राउड तो नहीं है बिल्कुल, ये तो सेट है वेस्ट इंडीज की सीरीज और फिर पाकिस्तान की भी सीरीज के लिए आज अनाउंस हो गए ऑफिशियली के क्राउड नहीं होगा सारे मैचेस में। तो बात बात ये है, एक ऊपर से जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं ना, वो सब अलग है, वो अपने हैं, ना कोई मीडिया का बंदा है, ना कोई स्टाफ वहाँ का खुद अंदर बाहर जा सकता है। उनकी लिफ्ट्स अलग है, हर जगह सैनिटाइजर लगे हुए हैं और हर जगह बार बार सफाई हो रही है। तो उन्होंने ऐसे इन्वायरमेंट बनाया जहाँ प्लेयर और मैन सारी जो स्टाफ है उनका सारा एक बबल बना हुआ है कि सिर्फ वही अंदर और बाहर वही सारे लोग हो सकते हैं। अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया के लिए क्या अरेंजमेंट हो गया? ऑफ कोर्स जी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस सुनी है ये। जी तो हमारे भी आपको पता है, जैसे हमारे भी लोग वहाँ जाएंगे, हमारा ऑब्वियसली हमारा ब्रॉडकास्ट वहाँ है, तो हमारे ट्रक्स है वहाँ, हमारे वहाँ ट्रक्स होंगे और हमारे जो प्रेजेंटर होंगे वो पिच साइड होंगे ग्राउंड के पास, तो उनका एंट्री एग्जिट भी सारा अलग है। तो जैसे मैं कहा कि प्लेयर्स और स्टाफ का सारा अलग है, तो उस हिसाब से भी ब्रॉडकास्ट के लोग, जर्नलिस्ट और मीडिया के लोग भी सारे, उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स सारे अलग है, और उनके लिए भी हर जगह जगह उन्होंने सैनिटाइजर लगाया है और हर जगह उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि ज़्यादा लोग ऐसे क्रॉस ना हो। तंसिल, आप खुद पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं यूके में, कितने एक्साइटेड हैं पाकिस्तानी फैंस? ऑल्दो ग्राउंड पे नहीं जा सकेंगे लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट तो होगी कि क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान की टीम खेल रही है। देखिए, पाकिस्तान का टो हमेशा बहुत मजे का होता है, वेरी एक्साइटिंग, बहुत अच्छी टीम होती है टो करने के लिए। यहाँ ऑब्वियसली मायूसी है सबको कि क्राउड नहीं होंगे वहाँ, हमने मैं खुद टिकट्स थी 2 2020 मैचेस के लिए, तो बस ऐसे ही है कि अब वो मायूसी है कि हम मैच देख नहीं सकते। लेकिन हमेशा सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तानी जो हम सपोर्टर्स हैं, लेकिन दूसरी कंट्री के सपोर्टर और यहाँ के ब्रॉडकास्टर्स भी, मीडिया बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो हमेशा कुछ ना कुछ होता है न्यूज़ जब कुछ ना आते कुछ हैं निकल टो जाती है। करने, जब टो करने आते हैं तो कोई ना कोई कुछ अच्छा होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, अब पाकिस्तान का रिकॉर्ड लास्ट 2 टोस से अच्छा है, सीरीज नहीं हारी पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में भी नहीं हारी, ऑब्वियसली इस दफा लॉर्ड्स में मैच नहीं है। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान एक 2016 से आते हुए अब आई थिंक है कि पांच सीरीज नहीं साल से हारी इंग्लैंड में। कंटिन्यूअसली हाँ पाकिस्तान जी, टूर कर रहा है। तो ये भी बहुत एक बड़ी बात है, इसलिए ये टूर बहुत एक्साइटिंग है इस हिसाब से भी कि क्या पाकिस्तान वही फॉर्म कंटिन्यू करता है, लेकिन इस दफा शायद थोड़ा डिफरेंट हो। यहाँ पर एक चीज और रिकॉल कर ले कि जो शेड्यूल आज अनाउंस हुआ है पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज का, उसके जी, मुताबिक 5 अगस्त से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। 5 अगस्त को पहला मैच मैनचेस्टर में होगा, उसके बाद फिर बैक टू बैक 2 मैचेस साउथहैम्पटन में होंगे, 13 अगस्त को जी दूसरा जी टेस्ट,
21 अगस्त से तीसरा टेस्ट और फिर दोबारा मैनचेस्टर टीम आएगी जहां 28 अगस्त 30 अगस्त से जून सितंबर को T20 मैचेस खेले जाएंगे। तंसील, दो ही वेन्यू मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन रखे हैं, इसकी वजह बुनियादी क्या है? तो बात यह है कि मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन में दोनों जगहों में होटल ऑन साइट है, तो ग्राउंड के अंदर है। तो वही मैंने जो बात की थी कि जो टीम है और जो सारे स्टाफ है वो सब एक ही बबल में रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है वहाँ रहना। तो इसलिए बस यही है कि उन दोनों ग्राउंड्स में होटल्स और फैसिलिटीज अच्छी है और वो अडेप्ट हो सकती हैं इस सिचुएशन के लिए, इसलिए ये दोनों वेन्यूज पिक किए गए। जी हम अक्सर क्योंकि मैं भी जो पिछले चार वर्ष उसमें टीम में इंग्लैंड में मौजूद था, तो जब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ होते तो एक अजब मुख्तलिफ सा ही माहौल होता है, फैंस आ रहे होते हैं, दोस्तियाँ यारियाँ हो रही होती है, प्लेयर्स आउटिंग हो रही होती है, ये सारी चीज़ें तो मिस करेंगे हर कोई इस बार। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली फैंस तो नहीं आ रहे इस टूर पे, तो ये बहुत बहुत मिस होंगे क्योंकि पाकिस्तानी जो क्राउड है वो बहुत अलग क्राउड है यहाँ के, पर बहुत मज़े की क्राउड है और बहुत अच्छी बहुत शोर होता है और ये बहुत मिस होगा प्लेयर्स को ग्राउंड में। उसके अलावा भी जो क्रिकेट हम देखते हैं, पाकिस्तान जो आके खेलती है, हमने तो सपोर्ट करना ही है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक्साइटिंग इवेंट होता है पाकिस्तान टीम के साथ, तो इसलिए भी यहाँ सबको सब पसंद करते हैं कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान अच्छी अच्छी सीरीज करके जाए। एक और एलिमेंट मैं हमेशा देखता था, खासकर मैनचेस्टर जैसी जगह में तो हमेशा होता था, जो पाकिस्तानियों का एक ग्रुप है फैंस का, पाकिस्तानी आर्मी जो कहलाते हैं, डबल डेकर बस लेकर निकलते हैं, फुल जी फुल सपोर्ट, मिस्टर पाकिस्तान, ये सारे ये एक कलर होता है। इस कलर को तो प्रॉब्ली इंग्लैंड वाले भी मिस करेंगे, ब्रिटिश प्रेस भी मिस करेगा, ब्रॉडकास्टर भी मिस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जो भी हम ऑन द डे बनाते हैं, कुछ कोई एडिट बनाते हैं या उससे पहले कोई बनाते हैं, ये सारे शॉट्स हमारे पास होते हैं और मिस करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैन बहुत कलरफुल फैन होते हैं, आते हैं पेंट किए होते हैं और विग्स पहनी होती है, ड्रेस सारे पहने होते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा माहौल होता है एंड सपोर्ट बहुत फुल मिलती है। तो बस ये बात है कि ये बहुत मिस होगा इस दफ़ा स्पेशली टीवी पे। I was reading somewhere के प्लेयर को थोड़ा बहुत फिर भी मोटिवेट करने के लिए आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम ऐसा लगाया जा रहा है कि क्राउड का नॉइज, वो किस तरह मैनेज होगा अगर इस बारे में आप बता दीजिए। मुझे ये नहीं पता कि क्राउड के अंदर अगर आवाज दे रहे हैं, ना ये नहीं श्योर, वो आई थिंक ग्राउंड पे डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर नहीं है। हम जो कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट के लिए टीवी के लिए, हम आवाज दे रहे हैं कि टीवी पे लगे के कुछ कुछ हो, लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें तो आई थिंक वो ग्राउंड के ऊपर है और वो मैंने सुना है कि शायद हर ओवर के दरमियान वो थोड़ा म्यूजिक करेंगे, बजाएंगे थोड़ा सा, ताकि प्लेयर्स थोड़े बहुत मोटिवेट होते रहे किसी तरह। हाँ जी जी बिल्कुल, तो आप खुद देख ले, अब दो बहुत बड़ी सीरीज हो रही है, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, बहुत बड़े नाम है क्रिकेट में और अब हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप देखिए, अब वो मैच खेल रहे हैं इंटरनेशनल, इतना बड़ा टूर को और क्राउड नहीं है, आवाज नहीं है कोई, तो उनको भी बहुत अजीब लगेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा कि प्लेयर्स को भी थोड़ा फील हो कि वो वाकई क्राउड के सामने खेल रहे हैं। आप क्रिकेट को भी बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, ब्रॉडकास्ट क्रिकेट ब्रॉडकास्ट से भी आप इन्वॉल्व हैं, क्या नज़र आता है कि कितना अहम है ये सीरीज का होना, कितनी इम्पोर्टेंस है इस सीरीज की, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं रिसेप्शन की जाने, तो ये दो सीरीज और जिस तरह PCB और WICB ने, इनफैक्ट क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने जो स्टेप्स लिए हैं, वो उसको UK में किस तरह देखा जा रहा है? तो पहली बात ये है कि दोनों वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टूरिंग बोर्ड्स है, उन दोनों को यहाँ की प्रेस, यहाँ की मीडिया उनको बहुत बहुत हाई रिगार्ड में देख रहे हैं अब, क्योंकि देखिए इस सिचुएशन में अगर वेस्ट इंडीज ना आती ना पाकिस्तान ना आती, तो और तो क्रिकेट कहीं नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट तो हम पता नहीं कब तक वेट करते रहते। तो देखिए ये सही बात है कि ECB को ये टूर चाहिए थे, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत पैसा लूज हो रहा था, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी इस साल जो चीज़ों में नहीं हुई, तो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने भी कहा कि देखे हम भी चाहते हैं कि क्रिकेट शुरू हो, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई हो, और इंग्लैंड हमारे लिए ये लकी है कि यहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं कि
थोड़े नॉर्मल हालात की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन हम इस सिचुएशन में है कि हम टूर कर सकते हैं और सारी प्रिकॉशंस दे के रख के ये टूर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली बोर्ड्स की बहुत यहाँ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और माइकल एथरटन ने खुद कहा था एक हमारे शो में था कि ऐसी चीज़ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ना भूलना चाहिए ना वो ये भूलेंगी कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने किया क्या है इस साल। Probably इसके बाद रास्ता और आसान हो जाएगा फॉर पीसीबी टू कन्विंस इंग्लैंड यार आप आकर टूर करें जो आपका ड्यू टूर है, तो लुक फॉरवर्ड, मतलब पाकिस्तानी फैंस जो यूके में वो भी एक्साइटेड होंगे कि यार बाद में इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान जाएगी। हाँ जी, ये रूमर तो आए थे ऑब्वियसली शुरू शुरू में जब बातें हो रही थी कि पाकिस्तान ने आना है, तो वसीम खान ने तो हमारे शो पे कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। वसीम खान ने बहुत अच्छी बात की थी कि अभी अभी ये वो टाइम नहीं है कि हम बागन करें, ये मौका नहीं है कि हम ऐसी ऐसी बातें करें, कि हमें नहीं पता शायद ऐसी बातें हुई हो, थोड़ी बहुत बिहाइंड द सीन हमें हर चीज़ नहीं पता, लेकिन बात ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि अभी जो हमारी प्रायोरिटी है वो है कि क्रिकेट को शुरू किया जाए और क्रिकेट को इस लेवल पे लेके आए कि फिर हर जगह शुरू हो सकती है किसी किसी ना किसी तरह। अब दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स या जो वेन्यूज है जहाँ पे इवेंट्स अब होने, आपको लगता है कि अब ईसीबी से इंग्लैंड ने जो इंतजाम किए हैं, जो स्टेप्स लिए, जो मेजर्स हैं वहाँ पे, उसको फॉलो करते हुए, उसको एग्जाम्पल बनाते हुए और ऑफ कोर्स उससे लर्निंग लेते हुए भी आगे बढ़े और अपनी रिस्पेक्टिव क्रिकेट को रिज्यूम करें? बिल्कुल, देखिए ईसीबी ने जो किया है ना, अभी हमें पता है कि उन्होंने बिहाइंड द सीन कितना काम किया है। थोड़ा सा अगर से कुछ शेयर कर सकें कि बिहाइंड द सीन ऐसा क्या क्या स्टेप्स हुए? वही मैं बता रहा हूँ कि जो बबल क्रिएट किया है ना प्लेयर्स के लिए, स्टाफ के लिए, ये बहुत इसके ऊपर प्लानिंग गई है, बहुत मेहनत गई है, और जो उन्होंने काम किया ना, बता रहा हूँ कि जो लोग थे जिन्होंने ये सारा काम किया, अगर ना होते तो ये तो बिल्कुल नहीं होने थे। तो इन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि अब क्रिकेट शुरू हो सकती है यहाँ। तो वही बात है कि जहाँ हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं, जैसे आप देख लें न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो यहाँ का मॉडल लेके वहाँ ऐसे वेन्यू बना सकते हैं, फिर वहाँ पे भी टूर्स हो सकते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि अभी हम इतना पर आपको पता नहीं है कि कितना काम हुआ है, हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि ईसीबी ने कितना कितनी मेहनत और कितना पैसा लगाया है इस इन टूर्स में, टूर्स को करने के लिए। तो बस बात यह है कि फुली अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। $1 billion तो प्रॉब्ली सिर्फ प्लेयर्स को ट्रांसपोर्ट करने का लग गया होगा, एक वेस्ट इंडीज से चार्टर फ्लाइट और फिर उसके बाद पाकिस्तान से चार्टर फ्लाइट, पाकिस्तान के भी। जी जी, वो भी सारी एक्सपेंसेस आपको पता है कि प्लेयर के डीएस वगैरह भी शेयर हो रहे हैं, तो उसमें भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 5-6 million pounds तो खर्च वैसे ही हो गए होंगे, वो तो कहीं नहीं गया। हाँ जी बिल्कुल, तो आपको तो पता है कि ऐसी चीज़ों में बहुत पैसा लगता है, लेकिन ये भी बात रखनी जहन में रखनी चाहिए कि इन नेसेसरी थी ये चीज़ें करने के लिए, स्टेप लेने के लिए कि क्रिकेट शुरू हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थे। तो उनको ऑब्वियसली हिट होगा पैसों का, लेकिन अभी वही बात है जो वसीम खान ने की थी कि हमने किसी न किसी तरह शुरू करना है क्रिकेट और हमने दिखाना है कि हो सकता है। तो बहुत अच्छा स्टेप है आई थिंक ये टूर शुरू करने का अभी वेस्ट इंडीज का। तो अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा और दुनिया में सब कुछ ठीक होता रहेगा। फिर इस वक्त पाकिस्तान टीम वोस्टर में मौजूद है अपने इनिशियल क्वारंटीन और ट्रेनिंग कर रही है, तो सब पाकिस्तान टीम के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स आ रही है और क्या किस तरह पाकिस्तान टीम मूव करेगी आगे? अभी तो इन्होंने अपना क्वारंटीन पीरियड खत्म करना है, आई थिंक एक वीक तक, आई थिंक एक वीक है या एक वीक से कम रहता है। 13 तक प्रॉब्लम अभी हो रहा है। हाँ जी, फिर वहाँ से उन्होंने डर मूव करना है, वहाँ फिर सही असल प्रैक्टिस मैचेस वहाँ शुरू होंगे, जैसे अभी इंग्लैंड ने अभी खेले हैं ना इंटर टीम में मैचेस, क्योंकि वो पाकिस्तान के टूर मैचेस तो कैंसिल हो गए थे जो होने थे अभी काउंटी टीम्स के साथ, तो वहाँ डर में जाके फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ देखे फिर क्या होता है, कौन कौन खेलता है, कैसे खेलता है। मैचेस तो बिहाइंड क्लोज डोर्स होंगे ग्राउंड पे, तो जिन स्पेक्टेटर्स ने ऑलरेडी एडवांस में टिकट्स ले लिए थे, क्योंकि यूके में तो मैंने ये बड़े अहम ट्रेडिशन देखी है कि पहले ही लोग टिकट्स बुक कर लेते हैं, अनलाइक पाकिस्तान के मैच से एक दिन पहले लोग टिकट्स ले रहे होते हैं, तो
जो टिकट थे उनके रिफंड के हवाले से या उन स्पेक्टेटर्स को कैसे कंपेंस करें, कोई अब तक अनाउंसमेंट? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही पाकिस्तान का टूर अनाउंस हुआ है हमें ईमेल्स आ गई थी जिन ग्राउंड से हमने टिकटें ली थी। तो मैंने मैंने ली थी एक साउथहैम्पटन का T20 जो था, और एक मैंने ली थी कार्डिफ का T20 था जो होना था। तो उन दोनों ग्राउंड से मुझे ईमेल आ गई थी कि आप या फुल रिफंड ले सकते हैं या आप अपनी टिकट को डिफर कर सकते हैं कि जो अगला हमारा अगला मैच होगा वो आपको प्रायोरिटी में वो टिकट मिलेगी जब भी मैच होगा। तो ओल्ड ट्रैफर्ड वालों में तो मजा आ गया, अगला इंडिया का मैच मिलेगा उनको। जो भी हाँ जी जो भी टूर आ रहा है यहाँ, तो आपको तो पता है कि यहाँ के सिस्टम बहुत प्रोफेशनल अच्छे होते हैं। तो जैसे टूर अनाउंस हुआ तो सबको ईमेल्स मिल गई है, तो अब स्लोली स्लोली अब सारे रिफंड मिलेंगे या फिर डिफर टिकट्स लेंगे लोग। एक और चीज जो इफेक्ट हुई है, अगर हम यूके में क्रिकेट के हवाले से बात करें, वो बड़ा लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि 300s कैसा जाता है, 100s का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है, आगे जाके स्टार्ट हो पाएगा या ज्यादा टेंपर हो जाएगा? ना मुझे लगता है कि ECB उनको इनको ये इनको चाहिए ये टूर्नामेंट, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह अगला समर ये होगा। अब देखिए इन्होंने अब इनका मार्केट क्या था, इनका मार्केट था फैमिलीज, उनके यंग बच्चे हैं या वो लोग जो सिंगल पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं ऐसे, तो ज़्यादातर चांस है कि स्कूल हॉलीडेज के दौरान होगा, वो तो समर में होती है। अब इस सिचुएशन के लेके इस साल जो अगले साल के जो रिप्रकॉशन है वो अभी नहीं हमें पता, होपफुली अगले मार्च अप्रैल तक हमें पता लग जाएगा, और फिर जुलाई के शुरू में या जुलाई के मिड से चांस है कि 100 शुरू हो। नेक्स्ट ईयर जी बिल्कुल अगले साल ये होगा, टूर्नामेंट तो होगा। पहली तारीख से अब प्रॉब्ली काउंटी क्रिकेट भी रिज्यूम हो रही है, उसका अब क्या क्या किस किस कौन कौन से टूर्नामेंट होने जा रहे हैं? T20 ब्लास्ट होगा, वनडे कप होगा, काउंटी चैंपियनशिप के मैचेस होंगे, वो कौन कौन से मैचेस का क्या प्लान है? जितना हमें अभी बताया गया है मुझे लगता है कि अभी रॉयल लंदन वनडे कप अभी उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई उसके नए काउंटी चैंपियनशिप की है वो शुरू होंगे कम राउंड, और उसको कोशिश करेंगे कि आई थिंक अक्टूबर तक ख़त्म किया जाए, मिड से लेट अक्टूबर तक। और ब्लास्ट की भी यही बात है अभी टू बी कंफर्म्ड है, लेकिन ब्लास्ट का हमें बताया गया कि वो होगा, लेकिन एक्चुअल डेट्स का कुछ नहीं अभी पता ना अभी वेन्यूज़ का पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पाकिस्तान का टूर से पहले आयरलैंड आ रहा है 3 ODIs के लिए, फिर पाकिस्तान के टूर के बाद ऑस्ट्रेलिया क्या है अगर उनके इन द ऑन द कार्ड्स, और फिर औरतों का भी ट्राई सीरीज होनी है, तो ये इस दौरान फिर ब्लास्ट ने शुरू होना है। तो आप देखिए अब उन्होंने बहुत अभी प्लानिंग करनी है कि हमने किस डेट्स पे कैसे लोगों को इधर उधर मूव करना है। आप देखिए आपने सिक्योर बबल बनाए हुए है, अगर आप उन लोगों को वहां से निकाल लें और ऐसी लड़े का लेके जाए कि बबल नहीं बना हुआ तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी बहुत प्लानिंग है, अभी सब कुछ इतना इजी नहीं है। तंजीम, अगर हम यूके में क्रिकेट की बात करें ओवरऑल इंक्लूडिंग वेल्स और इंग्लैंड दोनों, एशियन कम्युनिटी तो बड़ी इन्वॉल्व रहती है क्रिकेट में, क्रिकेट की फॉलोइंग में, क्रिकेट खेलने में। बीच में एक मौका लग रहा था कि शायद जो ब्रिटिश है वो दूर होते जा रहे हैं क्रिकेट से आहिस्ता आहिस्ता, बट आपको लगता है पोस्ट 2019 वर्ल्ड कप उसके बाद इंग्लैंड में दोबारा लोगों का और खासतौर पर यंग जनरेशन का इंटरेस्ट वही बढ़ गया उसी तरह जिस तरह पहले होता था? देखिए यही तो बात ECB ने देख के ही कहा था कि 100 इस साल होगा, तो उन्होंने यही सोचा कि हम उस वेव को राइड करके 100 को बहुत बड़ा सक्सेस बना सकते हैं। ये जो यंग बच्चे देख रहे हैं टीवी पे 50 ओवर वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने जीता है, वही सक्सेस लेके उसके ऊपर यही उनका एक इनिशिएटिव था कि हम वो लेके फिर आगे लेके जाए, और उससे वो प्लान ख़त्म हो गया। जनरली आप मुझे पूछे बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पुश हुआ था एकदम से कि लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। देखिए काफ़ी लोगों ने फाइनल देखा था जिन्होंने कभी क्रिकेट देखा नहीं हो, ठीक है, तो देखा फाइनल देखा इंग्लैंड ने जीत लिया, और फिर लोगों ने स्लोली स्लोली कहा अच्छा ये क्रिकेट क्या होती है, कैसे खेलते हैं, क्या रूल्स है। अब देखिए मसला ये है जो ये सिचुएशन जो हो गई है उसकी वजह से एकदम से कुछ रुक गया, तो उसको आई थिंक मुझे लगता है कि वो वेव फिर बनानी ना वो काफी टाइम लगेगा, चैलेंज होगा। और इसी के लिए ऑफ कोर्स अगर कमिंग बैक टू क्रिकेट सीरीज हमारी हो रही है वेस्ट इंडीज में, इसमें एज अ क्रिकेट फैन एज अ क्रिकेट फॉलोअर आपको क्या लगता है प्लेयर्स के लिए
सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, और खासतौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए सीरीज में क्या चैलेंज? आई थिंक वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के अगर टो की पहले बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये होना है कि वो उस नए एनवायरनमेंट से कैसे डील करते हैं. ऑब्वियसली ऐसे कभी ही किसी क्रिकेटर ने डील नहीं किया होगा ये सिक्योर बबल में रहना. और आपको पता है कि मैच के बाद फिर बाहर जाना, फिर सेलिब्रेट करना, अगर सीरीज जीती है बाहर जाके फिर सेलिब्रेट करना, ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट है और मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होगी. तो उनको मेंटली थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा मुझे लगता है, कि हमने डील कैसे करना है सीरीज मैच जीतते हुए, हारते हुए हमने जब हमारी होती है तो हमने क्या करना है. एक बात वो है, फिर दूसरी बात वही जैसे हमने पहले बात की थी कि क्राउड नहीं होगा ग्राउंड में, तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है जिन कंट्रीज में. अब देखिए यहाँ लोग टेस्ट मैच देखने जाते हैं, आपको पता है कि बहुत अच्छा क्राउड होता है यहाँ टेस्ट मैच के लिए. अब यहाँ वो नहीं होंगे लोग, तो उनको उनके लिए बहुत नई बात है. पाकिस्तान के लिए तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान तो यूज्ड टू है, जब दुबई में खेल रहे थे हमें पता है कि वहाँ के क्या सीन थे. बिल्कुल तो इसलिए मुझे लगता है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को देखते हुए मुझे लगता है उनको ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कि हमने ये कैसे डील करना है कि क्राउड के बगैर खेल रहे हैं और सपोर्ट के बगैर खेल रहे हैं. लेकिन जब पाकिस्तान की सीरीज होगी तो इंग्लैंड उस तैयारी के साथ आएगा, एक एडजस्ट हो चुका होगा, तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाएगा कि इंग्लैंड को सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा ऑलरेडी, पाकिस्तान को नहीं होगा. जी देखिए मैं ऑब्वियसली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान की सीरीज के. मुझे लगता है ये जो सीरीज होने लगी हम प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड की होने जा रही है मुझे लगता है. वही बात है, लेकिन इंग्लैंड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, उन्होंने अभी टेस्ट सीरीज खेली होगी, 3 टेस्ट खेले हैं. इंग्लैंड की यह भी बात है कि वो अपने की प्लेयर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो 3 ODI है आयरलैंड के खिलाफ वो पाकिस्तान वो बिल्कुल बीच में है, तो उनको उनको अच्छा मौका मिलेगा कि उनके जो की प्लेयर्स है वो रेस्ट किए जाए पाकिस्तान के लिए. तो पाकिस्तान को ये भी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस की सीरीज अच्छी होगी. मुझे लगता है टीम इस दफा बहुत अच्छी है और एक्साइटिंग है. मुझे लगता है अजहर अली से मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया था, उसने तो बोला कि इस बार हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इस बार जीत कराएंगे. आपको भी वही फीलिंग आ रही है कि इस बार पाकिस्तान शायद जीत जाएंगे, दो बार तो ड्रॉ कर दूंगा. पता है जीतने का तो मैं कह सकता है, क्योंकि देखिए मैनचेस्टर में पाकिस्तान ने आई थिंक 6 या 8 टेस्ट मैच खेले और सिर्फ एक जीता है, और साउथहैम्पटन में कभी खेला नहीं. तो आई थिंक ये कहना कि जीत के आएंगे ये थोड़ी बहुत बड़ी बात है कहने की, लेकिन पाकिस्तान है और पाकिस्तान को भी पता नहीं कभी. ये तो और वही मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि टीम बहुत एक्साइटिंग है दिस ईयर. आई थिंक कोई बैट्समैन बहुत आई थिंक एक्साइटिंग टैलेंट आ रहा है नज़र, और फिर बॉलिंग तो आपको पता है हमारे पास जो बॉलिंग आ रही है नसीम शहीन और अब्बास का तो पता है आपको. मुझे लगता है कि जो टाइमिंग है ना पाकिस्तान के टेस्ट का वो अब्बास की बॉलिंग के लिए बहुत परफेक्ट है. तो मुझे लगता है ऑब्वियसली हमारी नज़र तो यंगस्टर्स के ऊपर है ना, जो नए सारे फास्ट बॉलिंग सेंसेशन आ रहे हैं नसीम शहीन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब्बास बिल्कुल बहुत की प्लेयर हो सकता है. मुझे लगता है कि शाहीन की पोजीशन पाकिस्तान टीम में वो है जो बॉलिंग में वो पोजीशन है, जो बैटिंग में बाबर की है. शाहीन बाबर आजम की है बिल्कुल, बाबर मतलब अगर वो बॉलिंग का मैं उसका वही रोल है, तो अगर शाहीन सही तरह परफॉर्म करे एब्सोल्युटली ही इज नेक्स्ट. अच्छा ये सीरीज की तो बात हो रही है हमारी, प्लेयर्स की भी बात हो गई है. अगर मैं आपसे पूछूं T20 में तो पाकिस्तान ने बीच पे थोड़ा सा लड़खड़ाया था, लगता है कि इस बार T20 में सही कर जाएगा? देखिए वही बात है, मुझे लगता है कि एक टीम वही बात है कि टीम बहुत एक्साइटिंग है, बहुत यंग टैलेंटेड टीम आ रही है स्पेशली T20. अब हैदर भी आ रहा है, इंशाल्लाह हैदर जब पहुंचेगा यहाँ तो वो भी टीम में एडजस्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि खिलाना चाहिए पाकिस्तान को. आई थिंक मैंने कुछ लोगों से कहा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये जो T20 सीरीज आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये सीरीज टेस्ट की तरह लेना चाहिए. हमारा क्या कॉम्बिनेशन काम करता है, हम किस टीम को लेके आगे अगले साल जो वर्ल्ड कप होना है और ऑब्वियसली बीच में जो भी सीरीज आनी है. तो मुझे लगता है कि इस साल T20 में पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. बहुत बहुत शुक्रिया तंजील फॉर टाइम. ये थे
स्काई स्पोर्ट्स के असिस्टेंट प्रोड्यूसर तजिल ख्वाजा जो क्रिकेट पॉडकास्ट में भी इन्वॉल्व है और क्रिकेट पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। डिस्कस किया हमने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज कैसे होगी, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज कैसे होगी, ओवरऑल बरतानी में माहौल क्या है और क्रिकेट की जो रिजर्वेशन है उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर आगा कीजिएगा। देखने का शुक्रिया।